स्टार्ट? मैं एक्चुअली ओडिशा से आया हूँ और 17 साल से मैं LIC एजेंसी में हूँ और अभी 3 साल से ट्रेनिंग फील्ड में हूँ। मैंने मेरे लाइफ में ये 17 इयर्स में मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम किया, मतलब इंडिया में जितने भी सेल्स ट्रेनर हैं और मतलब इंटरनेशनली जो इंडिया आते हैं जो भी ट्रेनर है, मैं ऑल ओवर इंडिया में जितने भी ट्रेनर हैं सब लोगों का मैं ट्रेनिंग किया हूँ। लेकिन वो ट्रेनिंग करने के बाद बस खाली मेरे लाइफ में बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैं जमा करके ही रख लिया, अदरवाइज़ उसका जो रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका जो फ़ायदा होना चाहिए, वो फ़ायदा मेरे को नहीं मिला। फ़ायदा नहीं मिलने का वजह यह है कि वहाँ पे लोग ये करो वो करो, जैसे सेल्स ट्रेनिंग में बोलते हैं कि आप एक लैपटॉप खरीद लो, आप एक ऑफिस बना लो, तो ऐसा करके जो बोलते हैं वो लोग नहीं जानते हैं कि LIC एजेंट का जो फाइनेंशियल पोजिशन है उसके बारे में उनको पता नहीं होता है। लेकिन एजेंट क्या करता है, ट्रेनर बोल रहा है बोल के वो लोग मोटिवेट होके आ जाते हैं और वहाँ पे लैपटॉप ले लेते हैं, पर्सनल ऑफिस ले लेते हैं, तो ऐसा करके वो खुद का मतलब जो फाइनेंशियल पोजीशन अभी उनके पास नहीं है, फिर भी वो लोग वो ट्रेनर का बात मान के वो लोग जाके क्या करते हैं ये सब खरीद डालते हैं और उनका जो फाइनेंशियल पोजीशन और भी ख़राब हो जाता है और उसका जो बिजनेस होना चाहिए वो बिजनेस नहीं होता है और ये दलदल में वो लोग फंस जाते हैं। तो मेरे लाइफ में ऐसा ही हुआ है, मेरे को कुछ रिजल्ट नहीं मिला है। फाइनली मैं लाजरस डाइस एजुकेशन एकेडमी के साथ एसोसिएट हुआ और यहाँ पे मेरे को बहुत सारे फ़ायदा मिला। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि लाजरस डाइस एजुकेशन एकेडमी में ये लोग क्या करते हैं, बिजनेस के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं रखते हैं, क्योंकि बिजनेस के ऊपर फोकस इसीलिए नहीं रखते हैं, उनका एक विश्वास है कि जब तक एक इंसान जब तक खुश नहीं होगा वो कुछ भी काम नहीं कर पाएगा। तो उनका मतलब बिलीफ ये है कि अगर आप खुशी के लिए काम करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन खुश हो के अगर आप काम करेंगे तो ज़िंदगी में आपको सफलता मिलेगा। तो ये लाजरस डैश एजुकेशन एकेडमी ने ये हमेशा सामने वाले जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो लोग कैसे खुश होंगे, वो खुशी के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, उनका पर्सनल लाइफ के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं और ये सब के ऊपर काम करते हैं और धीरे 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 और जब उनका पर्सनल वो खुश हो जाते हैं तो धीरे धीरे उनका बिजनेस आगे बढ़ता ही है। और दूसरा बात ये है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम में जैसे एक दिन दो दिन तीन दिन ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में फ़ायदा नहीं होता, ये मेरा बिलीफ है, क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम करने के बाद मेरा ये बिलीफ है कि ये एक दो दिन में फ़ायदा बिल्कुल नहीं होगा। क्यों फ़ायदा इसीलिए नहीं होगा कि हमारे पास बहुत सारे ऐसे आदत है जो कि वो आदत की वजह से हम लोग आगे नहीं जा पाते, और ये स्किल बेस्ड ट्रेनिंग जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हमारे लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग में एक दो दिन में कोई भी स्किल्स कोई भी हुनर आपका डेवलप नहीं होगा, इसीलिए आपको 1 साल 2 साल 3 साल 100% आपको लगेगा कोई भी आदत आपको चेंज करने के लिए। तो इसीलिए मैं ये सब प्रोग्राम किया हूँ, मेरे को काफ़ी सारा फ़ायदा मिला है और मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि आप ये 1-2-3 दिन का ट्रेनिंग करो, लेकिन लॉन्ग रन का जो ट्रेनिंग है ये सब अगर आप करेंगी तो आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर मैं बोलना चाहूँगा ये 7th लेवल टू फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में, मैं खुद एक एसोसिएट फाइनेंशियल प्लानर हूँ, मैं खुद रजिस्टर्ड फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ और वहाँ पे मैंने कम से कम 70-80 हज़ार मैंने खर्चा किया और खर्चा करने के बाद लेकिन उसका जो फ़ायदा मिलना चाहिए वो मेरे को मिला नहीं। जब ये प्रोग्राम में मैं आया, ये 4 दिन का प्रोग्राम करने के बाद मेरे को ऐसा लगा कि ज़िंदगी में CFP तो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ कुछ भी फ़ायदा मिलता नहीं है, जो मतलब रियल लाइफ में जो एकदम प्रैक्टिकल जो बात बताया जाता है वो यहाँ पे बताते हैं लाजरस सर। और ये सीखने के बाद एक कस्टमर का रियल में वैल्यू एडिशन हो पाएगा, रियल में उसको जो चाहिए उनको हम लोग दे पाएंगे और कस्टमर का भी भला होगा और हमारा भी भला होगा। तो इसीलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि जितने भी LIC एजेंट है, जितने भी बाकी लोग हैं, कम से कम एक बार ये प्रोग्राम तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर ये 30 हज़ार आप देखेंगे तो मैं बोलता हूँ आपका हर मंथ 30 हज़ार आपका नुकसान होगा,
आप ये मत सोचिए कि 30,000, लेकिन 30,000 अगर आप नहीं देते हैं तो हर मंथ आपका 30,000 नुकसान होने ही वाला है। ये मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम है और ये सब मैंने जाना है। फाइनली मैं इतना बोलना चाहूँगा कि ज़िंदगी में हर एक को एक कोच की ज़रूरत है, और हमारे जैसे इंसान को एक LIC एजेंट को या किसी को भी एक पर्सनल कोच की ज़रूरत होगा। तो मेरा पर्सनल बिलीफ सिस्टम यह है कि मैं खुद लाजरस सर को एज ए कोच, मैंने कोच के हिसाब से मैं अपॉइंट किया। तो उन्होंने ये जो 2-2.5 साल में, मतलब मैं जो मेरा जो तकलीफ था, ये 2-2.5 साल में वो इतने बढ़िया तरीके से मेरे को कोचिंग करके मेरा ज़िंदगी में बहुत सारे सुधार उन्होंने लाए। तो हर एक को एक कोच की ज़रूरत है। आप टेंशन मत लीजिए, चिंता मत कीजिए, कोच अपॉइंट कीजिए। और अगर 1-2 साल में आपका ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगा ये आप खुद जान पाएंगे। तो अभी मैं बोलूँगा आप करेंगे, ऐसा बात नहीं है। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक ये सब आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलते चलते मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि वही ज़िंदा है जिसमें आस है, वही ज़िंदा है जिसमें सांस है, मगर जीतेगा वही जो LDEA के साथ विश्वास है। थैंक यू वेरी मच।